हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हमें करनी भी चाहिए। हम सुंदर दिखने के लिए महंगे महंगे कॉस्मेटिक अपने फेस पर लगाते हैं, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और बॉडी को स्ट्रेंथ और मसल को ताकत देने के लिए बहुत सारे लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में खत्म करने के लिए हमारे घर में एक बहुत ही सस्ती चीज अवेलेबल है, मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं या फिर ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को डायबिटीज की समस्या है, पेट में बहुत ज्यादा तेजाब बनता है या फिर शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका खून साफ नहीं है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, दोस्तों बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक छोटी सी चीज जो बहुत सस्ती है, बहुत ही कारगर है इन सारी समस्याओं को शरीर से दूर करने के लिए, वो चीज कौन सी है? वो है जीरा। दोस्तों, आपने कच्चे जीरे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप कच्चा जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, जीरे को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसको भूनकर ही इस्तेमाल कीजिए। आप उसे तवे पर हल्का हल्का रोस्ट कीजिए और पाउडर बनाकर ही इसका इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ जीरे का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसे कैसे बनाना है आपको वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीरा पानी पीने के फायदे क्या है। दोस्तों, जीरे के अंदर थायमोल नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर में लार यानी कि सलाइवा को ज्यादा बनाता है, बाइल जूस यानी पाचक रस के प्रोटेक्शन में बहुत मदद करता है, जिससे आपके शरीर का पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। जीरा पानी पीने से ऐसे एंजाइम शरीर में बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और ग्लूकोज को जल्दी तोड़कर पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये जीरा जो है खून को साफ करता है। आपको शायद मालूम होगा कि अगर हमारा खून साफ नहीं होगा तो खून के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचे रहना चाहता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से कोसों दूर रहना चाहता है, तो जरूरी है खून का साफ होना। और खून का साफ करने के लिए ये जीरे का पानी बहुत साधारण है, लेकिन इसके इस्तेमाल से ये सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है तो आपने जीरे वाले पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आप एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर सिर्फ दो चुटकी भुने हुए जीरे का पाउडर मिक्स कर दीजिए और इसके अंदर दो चुटकी ही आपने आंवला पाउडर मिक्स कर देना है। इससे ज्यादा कोई चीज मिक्स नहीं करनी और इसे आप पी लीजिए सुबह खाली पेट। इतने जबरदस्त फायदे होंगे, शायद आपने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की होंगी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जीरे वाला पानी हमारे शरीर में विटामिन ए को बढ़ा देता है, जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी होती है। अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, आप 35 की उम्र में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे 40 या 45 के होते हैं, दोस्तों अगर आप चाहते हैं 35 की उम्र में 25 जैसा दिखना, यानी चेहरे पर ग्लो चाहते हैं, नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो आपको रोजाना जीरे वाला पानी जरूर पीना है। सिर्फ जीरे का इस्तेमाल दो चुटकी ही कीजिए, इससे ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके सीने में या पेट में बहुत ज्यादा तेजाब बनता है, गैस या एसिडिटी की समस्या हो चुकी है, एपच की समस्या हो चुकी है, वाग्वट ऋषि जी के अनुसार जो कि आज से हजारों साल पहले थे और उन्होंने आयुर्वेद की किताब भी लिखी है जो कि अष्टांग हृदय में है, उनके अनुसार पित्त यानी कि एसिड को शांत करने वाली बहुत ही साधारण सी चीज है, वो है जीरा। जीरे का इस्तेमाल उन्होंने भुने रूप में ही बताया है कि भून कर ही जीरे का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जीरा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे जो फैट यानी वसा है उसके बर्न होने की टेंडेंसी बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण हम बहुत जल्दी अपना वजन कम कर पाते हैं। जीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर को डिटॉक्स करता है, फ्री रेडिकल से बचा कर रखता है। ऐसी सभी चीजें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में है, वो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को पैदा नहीं होने देते। जीरे के अंदर आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयरन अच्छी मात्रा में होने के कारण ये हमारे शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देता। जीरे वाले पानी के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जीरे वाले पानी के अंदर एंटी कंजस्ट
डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो भी इंसान जीरे वाला पानी पिएगा उनके शरीर के अंदर म्यूकस यानी कफ जिसे कहते हैं, खांसी की समस्या जिनको ज्यादा होती है, ये समस्या कभी नहीं होगी। जीरे वाला पानी इस तरीके से अगर आप पीते हैं जैसे मैं आपको करके बताऊंगी, अगर उस तरीके से आप पीते हैं तो कफ जितना भी कफ बना हुआ है, म्यूकस बना हुआ है, वो शरीर में डिल्यूट होकर डिस्चार्ज हो जाएगा यानी कि घुलकर शरीर से बाहर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको रोजाना जीरे वाला पानी जरूर पीना चाहिए। जिनको भी सांस की समस्या है, कफ बहुत ज्यादा बनती है, उनके लिए जीरे वाला पानी बहुत अच्छा है। जीरे वाले पानी के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाकर रखता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये शरीर में पीएच लेवल को बैलेंस करता है। एक रिसर्च से ये चीज सामने आई है, जिन भी लोगों का पीएच लेवल बैलेंस में नहीं होता उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। जीरा एक बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है जो कि खून को साफ करने का काम करता है और वजन को घटाने का काम करता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं हमने इस जीरे वाले पानी को कैसे बनाना है। हमने नॉर्मल जीरा लेना है और उसे तवे पर भून लेना है, बिना घी डाले बिना नमक डाले, जस्ट भूनना है जैसे हम दही में मिक्स करते हैं ना जीरा, वैसे भून लेना है। उसके बाद आप इसका कैसे भी पाउडर बना लीजिए, किसी भी तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। और एक गिलास हमने यहाँ गुनगुना पानी लेना है और हमें सिर्फ दो चुटकी ही जीरे वाला पाउडर लेना है और इस गुनगुने पानी में मिक्स कर देना है। इससे ज्यादा हमने जीरे वाला पाउडर नहीं लेना और इस पानी का सेवन हमने सुबह खाली पेट करना है। अगर आप इस तरीके से भुने हुए जीरे वाले पानी का सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या खून में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, डायबिटीज की समस्या हो या एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती हो, वजन बहुत ज्यादा हो या फिर पाचक शक्ति इतनी अच्छी नहीं हो यानी डाइजेस्ट सिस्टम वीक पड़ रहा हो, आंखों की रोशनी कमजोर हो, तो उन सभी तकलीफों में ये दो चुटकी सिर्फ जीरा बहुत फायदेमंद है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।